वास्तु लिविंग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शन कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी एंड वास्तु विषय पर। इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको कोई भी तरह के आसपास के लोगों के अंदर ऐसा लगता है कि इनका अप्रोच जाने अनजाने में नेगेटिव है, या नेगेटिव एनर्जी आपको अपने आसपास बहुत ज़्यादा लगती है, हेल्थ इश्यू होते हैं, इससे डिप्रेशन फील होता है, आप अपनी लाइफ में अपने करियर को फोकस नहीं कर पाते हो, डिप्रेशन होता है, ये बच्चों में हो सकता है, बुज़ुर्गों में हो सकता है, तो उसको कोशिश पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने वाले लोगों को सबसे पहले उसको सीरियसली लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे घरों के अंदर कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट को ना रखें, बिजनेस के अंदर नेचुरल प्लांट को ना रखें, कैक्टस या कांटे वाली चीज़ों को ना रखें, और कोई भी तरह का एक्वेरियम, वाटर एलिमेंट, इन चीज़ों की नेगेटिविटी को बढ़ाने में दोहरा इफेक्ट करता है, तो उससे आपको नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। तो वाटर एलिमेंट एंड नेचुरल प्लांट को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यही बात तो ये कहा जाता है कि अगर आप फ्रेश फ्लावर्स रखते हैं और इस तरह से यू फील पॉजिटिव आल्सो, तो वो उसके बारे में क्या कहेंगे? फ्रेश फ्लावर जो होता है वो उसका फाइनल फ्रूट है, जिसके जो आप जब भी उसको रखते हो उसके बाद आप रात के टाइम पे उसको निकाल सकते हो, क्योंकि दूसरे दिन वो नया आता है। लेकिन नेचुरल प्लांट सिमिलर बात नहीं होती है। दिन के अंदर कोई भी तरह का प्लांट होता है वो आपको ऑक्सीजन देता है, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो आदमी के अंदर ऑलरेडी किसी भी वजह से, जो भी रीज़न बना हुआ हो, ज़िंदगी का हो या कुछ भी तरह के अनुभव से हो, लेकिन जो ऑलरेडी नकारात्मक ऊर्जा के साथ पीड़ित पर्सन है या उसकी सोच विचार नकारात्मक हो चुके हैं, ऐसे लोगों के आसपास अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को इकट्ठा करोगे तो वो नेगेटिविटी को जल्दी से एब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि उनकी आदत ही यह रहेगी कि वो अपने बचाव के लिए वो हर नेगेटिव चीज़ को एब्जॉर्व करेंगे। तो प्लांट 50% काम करता है। नेचुरल फ्लावर्स ज़रूर रखने चाहिए, बट उन लोगों को जब एवरी डे अगर आप उसको बदलने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपने उसको रख दिया और आप 3-4 दिन तक रहने वाले हो, या कई बार आपने देखा होगा कि यंग एनर्जी वाले प्लांट्स आते हैं जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं, जो ड्राई फ्लावर्स को पेंट किया जाता है। नेगेटिव एलिमेंट के साथ पीड़ित लोगों को अपने घरों के अंदर वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार और फंक्शनरी के हिसाब से ये अलग अलग तरह के ड्राई प्लांट को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। जी, समय का अभाव है। बातचीत को ख़त्म करने से पहले, योग जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत मदद कर सकता है नेगेटिव वाइब्स को दूर करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को, और इस बात के कई प्रमाण हैं कि नेगेटिव एनर्जी योगा द्वारा दूर हो सकती है और बहुतों को इसका लाभ हुआ। सबसे अच्छा फ़ायदा नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों को यही होता है कि उसको मैक्सिमम सोशल बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जब दूसरे लोगों से मिलते हो, तो जब आपके घर में कोई आदमी बीमार होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, शादी ब्याह होती है, जब दूसरे लोग आते हैं पूरा एटमोसफियर बदल जाता है। तो जब आपको लगता है कि आप डिप्रेस फील करते हो, आपको हमेशा बुरे ही ख्याल आते हैं, आप हमेशा उल्टा ही सोचते हो, तो आप अपने आसपास में देख लो कि कौन आदमी ऐसा है जो आपसे डिफरेंट सोचता है, हमेशा स्माइली होता है, हमेशा खुशखुशहाल रहता है। अपने आप को इच्छा ना होते हुए भी जितना ज़्यादा सोशल करोगे, ऐसे पेरेंट्स को भी अपने बच्चे जब किसी में इन्वॉल्व नहीं होते तो उनको घर में लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वाइट करना चाहिए। सोशल होने से इसमें ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। जी, और आखिरी बात ये कि कई बार लोग, जैसे आपने नेचुरल प्लांट के लिए आपने सलाह दी, कई बार ऐसा होता है कि एक नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, या वो मैं कहूँ कि जो एक नकारात्मक माहौल होता है घर में, लोग उसके लिए घर में पेट भी ले आते हैं। अब ठीक है, वो व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है, लेकिन एक लिविंग बीइंग तो है, जिसको वो नेगेटिव वाइब्स को दूर करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए लेके आते हैं। वास्तु उनके लिए क्या कहता है? हालांकि हमने, मुझे याद है कि एक एपिसोड इस पर ही किया था कुछ समय पहले, जहाँ पे हमने पेट एंड वास्तु पर बातचीत करी थी, लेकिन अगर जो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अगर कोई घर में ऐसे किसी पालतू जानवर को लेके आता है, फिर वो चाहे डॉग हो या बर्ड हो या किसी भी तरह का कैट हो, अलग अलग पेट्स को लेके आता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोई भी नई एनर्जी के साथ कोई घर में आता हो, चाहे वो आपका गेस्ट हो, चाहे घर में छोटा बच्चा हो, चाहे वो पेट हो, बहुत ही फ़ायदा करता है, क्योंकि दूसरी की एनर्जी आती है। लेकिन तब उस कंडीशन के साथ आपको रखना चाहिए कि आप उसको मेंटेन कर सको। हम अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो अगर इस तरह की भावना है तो आपको अपने घर में डॉग अगर आपको पसंद हो, या अगर आपको अपने जिस तरह के भी बर्ड्स वगैरह पसंद हो, तो आप उसको डेफिनेटली रख सकते हो, और उससे आपके स्वभाव में परिवर्तन जो है वो आपको बहुत हद तक
दिखाई देगा। और नेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हुए लोगों को कभी भी नॉर्थ फेसिंग सर रखकर नहीं सोना चाहिए। ज़्यादातर केस में जब कभी भी आप सुसाइड के केस देखते हो, उसमें सुसाइड करने वाला पर्सन जो होता है, वजह कुछ भी हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट के साथ भर चुका है कि उससे अपनी ज़िंदगी में कहीं कोई स्कोप रखे ही नहीं है, तो ये बहुत बुरी हद तक चीज़ें जा सकती है। और इसीलिए अपने आसपास के लोगों पे जब नेगेटिव एलिमेंट होता है तो उसको बढ़ावा ना देते हुए, उसको रोक टोक करके, उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करते हुए विपरीत कोशिश करनी चाहिए कि उसमें पॉजिटिव एलिमेंट कैसे भरा जाए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक में इतना ही। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर चर्चा करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। That's vastu@tvasiausa.com और हमारा फैक्स नंबर है 732-650-1112। पल्लवी जी से यदि आप सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं pallavichellavada.com पर। इतना ही नहीं, टीवी एशिया हर महीने के दूसरे रविवार को पल्लवी जी के साथ लाइव कॉल इन शो भी आयोजित करता है। आप उस कॉल में भाग ले सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं स्टूडियो में और पल्लवी जी से सीधा बात कर सकते हैं। सवाल आपके करियर से जुड़ा हो सकता है, स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है, व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हो सकता है, अलग अलग पहलू जो हैं जीवन के उनसे जुड़ा हो सकता है। ध्यान रहे, महीने का दूसरा रविवार। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।